दिन की शुरुआत गोलियों की तड़तड़ाहट और पथराव की आवाजों के साथ हो रही है। दिन चढ़ने के साथ साथ चिंता बढ़ती जाती है। रोज आंखों के सामने जीवन का सबसे खौफनाक मंजर नजर आता है। सुबह से ही गोलियों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। दुकानें लूटी जा रही थी, जिन्हें बाद में आग के हवाले कर दिया जा रहा था। आसमान में उठते धुएं के गुबार अमन व चैन को लीलने वाली नफरत की आग के गवाह थे। हालांकि अब इलाके में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात है, लेकिन लोगों के चेहरों पर मौजूद खौफ नहीं गया है। पिछले तीन दिन में दिखा खौफनाक मंजर बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता है। गोलियों की आवाजें इतनी थी जैसे दिवाली पर कोई पटाखे वाली बंदूक चला रहा हो। घरों से बाहर झांकने पर रोड पर सिर्फ भागती हुई भीड़ और फेंके जाने वाले पत्थर दिखाई देते थे। लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने घर से निकलना तो दूर, छत पर भी जाना मुश्किल है। लोगों को हर समय बस यही डर लगा रहता है कि कहीं दंगाई उनके घर को भी निशाना न बना ले। स्थानीय लोगों का कहना है कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था और वो लोग अपने घरों में बेबस होकर माहौल के शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ है। हर जगह के मुख्य मार्ग पर जगह जगह पत्थर बिखरे हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगाइयों ने पहले से पथराव की तैयारी कर रखी थी और पत्थर कट्टों में भर कर रखे थे। उधर दंगाइयों की ओर किए गए पथराव के कारण सड़क पूरी तरह पत्थरों से पटी हुई है। मेन रोड पर जली दुकानें तबाही का मंजर दिखा रही थी और इस हिंसा का शिकार हुए कुछ पुलिसकर्मी, कुछ मासूम लोगों को अपने हाथों से जान गंवानी पड़ी। जिन मासूमों ने अपनी जान गंवाई वो अब कभी नहीं लौट सकते। उनके परिवार के बारे में सोचिए जो इस नफरत की आग का शिकार बने। चरम पर पहुंची उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा में बेकसूर हवलदार रतनलाल की मौत हो गई। क्या कसूर था रतनलाल का, वो इस हिंसा का शिकार बन गया। बवाल में बेकसूर पति के शहीद होने की खबर सुनते ही पत्नी पूनम बेहोश हो गई, जबकि खबर सुनकर घर के बाहर जुटी भीड़ को चुपचाप निहार रही सिद्धि, कनक और राम की भीगी आंखों में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से सवाल था, हमारे पापा का कसूर क्या था। रतनलाल दिल्ली पुलिस के वही बदकिस्मत हवलदार थे जिनका कभी किसी से लड़ाई झगड़े की बात तो दूर, तू तू मैं से भी वास्ता नहीं रहा। इसके बाद भी सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में उपद्रवियों की भीड़ ने उन्हें घेर कर मार डाला। आपको बता दें कि रतनलाल मूलतः राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर तिहावली गांव के रहने वाले थे। 1998 में दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 2004 में जयपुर की रहने वाली पूनम से उनका विवाह हुआ था। रतनलाल की मौत के बाद इस हिंसा का शिकार हुए लोगों की संख्या यही नहीं रुकी। उत्तर पूर्वी जिले में तीन दिनों के हिंसा में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल के बाद अब आईबी के जवान की हत्या का मामला सामने आया है। दंगाइयों ने अंकित शर्मा नामक इस जवान की हत्या करने के बाद शव को चांदबाग पुलिया के नाले में फेंक दिया था। बुधवार को पुलिस ने शव बरामद किया। अंकित आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार शाम से वह लापता थे। पिता का आरोप है कि नेहरू विहार के पार्षद ताहिर हुसैन के घर में छिपे बैठे दंगाइयों ने उन्हें खींच लिया। इसके बाद उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। ऐसे ही एक और आम नागरिक इस हिंसा का शिकार हुई, फातिमा। ना तो प्रोटेस्टर है और हमें ये भी नहीं पता कि वो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है या फिर उसकी समर्थक है, पर हमें ये पता है कि वो दिल्ली की सुलगती आग का शिकार हुई है। उनकी एक छोटी सी फल की दुकान थी जो उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था, उसे भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा। वो अकेली नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, उनके जैसे ही कई मासूम और भी हैं जो बेवजह घायल हुए हैं और कई तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही इस हिंसा के कोहराम में एक बच्चा गायब हो गया, उस पर एक पुलिस वाले की नजर पड़ी। बच्चे ने उंगली के इशारे से जिधर घर बताया वो पुलिस वाला उधर चल पड़ा। पागल सी अपना बच्चा ढूंढ रही माँ को दूर से अपना बच्चा नजर आया तो वो आंधी तूफान की तरह दौड़ी, बच्चे को सीने से चिपकाकर उसकी जुबान उस पुलिस वाले के लिए दुआओं से भर गई। बारी बारी से हिंसा का शिकार हो रहे लोग जो अब वापस नहीं आ सकते, और आपको बता दें कि इनकी संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये हिंसा कहां जाकर रुकती है।